नमस्कार, हिंदुस्तान भर से बीटीएस न्यूज के देखने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएस न्यूज और इस समय हम खड़े हैं बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत शंकरपुर प्रखंड मुख्यालय में और पंचायत चुनाव के चौथे चरण का नामांकन यहाँ आरम्भ है, जिसका आज दूसरा दिन है। यहाँ के जो भी अभ्यर्थी अपना नामांकन कराने आते हैं उनका क्या कहना है ये भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही यहाँ के क्या हालात हैं इनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बने रहिए बीटीएस न्यूज के साथ। क्या नाम है सर आपका? और नंदन कुमार। किस पंचायत से? किस पद का पंचायत से? किस पद के लिए नामांकन भरे? मुखिया से भरे हैं। हाँ सर, पंचायत चुनाव में आए हैं तो कुछ मुद्दा के साथ आए होंगे? निश्चित तौर पे जी। कौन सा मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा है। हाँ। और सर अपने क्षेत्रवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोले? अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे, जितने हमारे मतदाता है मेरे साथ रहे और उन लोग को हम काम देंगे और विकास का काम करेंगे। विकास का काम करना है। हाँ। आप जीतने के बाद कीजिएगा रोड, नली गली, इंदिरा आवास, यही सब है और युवक सा का सहयोग करना मेरा पहला प्राथमिकता। नाम? कुंदन कुमार। कौन पंचायत? मोरा झरका पंचायत से। चलिए धन्यवाद आपका। बोलते हाँ, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन भरे हैं? मोरा झरका से। वार्ड नंबर दो से। और कुछ कहना चाहेंगे मतलब अपने वार्ड के लोगों से? जी बताइए, आपकी पत्नी है? जी मतलब पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य से मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ मुद्दा लेके आए हैं सर? जी, हमारे गांव में सड़क नहीं है जी, इंदिरा आवास नहीं मिल रहे लोग को जी, इन लोग के लिए हम लोग मुद्दा। अच्छा, इन सारी समस्याओं के लिए आप मतलब मैदान में आए हैं। चलिए अपने वार्ड के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? नाम पूछ लीजिए जी। गणेश यादव। आप अपने वार्ड के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम उन लोग को प्रणाम करते हैं जी, आशीर्वाद चाहेंगे अपने वार्ड की जनताओं का। क्या नाम बताए सर आप अपने? अपना कनीष यादव। चलिए धन्यवाद आपका। नाम बताइए अपना। रूबी कुमारी। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन दिए हैं? बेरारी पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए। मैम, इससे पहले चुनाव लड़े हैं? नहीं लड़े हैं। तो पंचायत चुनाव में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा लेके आए होंगे जी, कहिए। मेरा यही मुद्दा है कि हम जो है ना गाँव के लिए काम, पंचायत के लिए काम करेंगे जी, जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करने, हर दुख सुख में साथ देंगे। और मैम, अपने क्षेत्र के जनताओं से कोई अपील करना चाहेंगे? यही करेंगे हम जो है उनको साथ दे और समर्थ दे सब, और हम सब के साथ काम करेंगे जी। और सर आपका नाम? मेरा नाम लालू कुमार सर। लालू कुमार सर, ये आपकी पत्नी है जी सर। और सर आप अपने क्षेत्र वासियों से कोई अपील करिए? अपील यही है सर कि जनता सब एक साथ रहे सर, सबका जो है ना दुख सुख में जो है ना भागी जी, अब जनता की सुख दुख में भागी बनने के लिए आप पंचायत में मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है ना ये मतलब पंचायत में आए हैं जी सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। नाम क्या है आपका? जी डोना देवी। किस पंचायत से किस पद के लिए नामांकन भरे हैं? बेरारी पंचायत से। किस पद के लिए भरे हैं? पंचायत समिति सदस्य से। और मुझे पता मालूम पड़ा है कि आप वर्तमान पंचायत समिति सदस्य भी हैं, तो मैम इस बार अपने जनता जनार्दन अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? जनता आपसे खुश है, उसी के बेस पे उनका समर्थन पुनः वापस चाहेंगे जी। चलिए, और कोई अपील करना चाहेंगे अपने पंचायत के मतदाता से? जी मदद चाहिए, जनता जनार्दन का मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चलिए ठीक है, नाम क्या बोले थे आप अपना? मैम डोना देवी। चलिए धन्यवाद आपका। बीटीएस न्यूज से मैं मोहम्मद आलम। जय हिंद।
इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हो जिंदगी मजे और सुकून से गुजर रही हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।